नमस्कार, रेडियो मई 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। सेबी ने इन्फोसिस को लेकर क्या दी चेतावनी? बर्जर पेंट्स देगा शेयर धारकों को बोनस? और मुकेश अंबानी ने कहां बेच दिया मकान, बताएंगे। और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईटी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस को लेकर प्रशासनिक चेतावनी जारी की है। कंपनी के स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस में एंट्री में होने वाली कुछ देरी को लेकर सेबी ने यह चेतावनी जारी की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अमेरिका के मैनहट्टन वेस्ट विलेज में अपने लग्जरी फ्लैट को बेच दिया है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2400 वर्ग फुट के 2 BHK फ्लैट को अंबानी ने $90 लाख यानी करीब 74 करोड़ 50 लाख रुपए में बेचा है। करीब 16 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ आयकर विभाग जांच कर रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कथित रूप से हीरो मोटोकॉर्प के एक वेंडर सॉल्ट एक्सपीरियंसेस ने फर्जी खर्च दिखाए जिससे हीरो को टैक्स क्रेडिट हासिल हुआ। कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टर्बो अगले 5 साल में $12 अरब के निवेश की तैयारी कर रही है। इसका एक तिहाई हिस्सा क्लीन एनर्जी कारोबार में जाएगा। एक अन्य घटनाक्रम में कंपनी के चेयरमैन एएम नायक ने सरकारी प्रोजेक्ट्स को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अब बड़े प्रोजेक्ट्स में टेंडर प्रोसेस का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। अदानी इंटरप्राइजेज विल्मर के साथ जेवी में अपनी मौजूदा 44% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश की प्रमुख FMCG कंपनी अदानी विल्मर का वैल्यूएशन करीब $6 अरब 17 करोड़ है। अनन्या बिरला की कंपनी स्वतंत्रता माइक्रोफिल्म सचिन बंसल के नावी समूह से जुड़ी चैतन्य इंडिया फाइनेंस को खरीदेगी। दोनों के बीच हुए करार के मुताबिक ये सौदा 1479 करोड़ रुपए का होगा और इस डील के इस साल के अंत तक पूरे हो जाने की संभावना है। सेबी के नए नियमों के अनुपालन के लिए किर्लोस्कर ब्रदर्स और जागरण प्रकाशन ने प्रमोटर्स के परिवारों के बीच हुए सेटलमेंट का खुलासा किया है। सेबी ने कहा है कि अब प्रमोटर्स के फैमिली के बीच हुए सभी सौदों की पूरी जानकारी देनी होगी। गेमिंग कंपनी मोबाइल प्रीमियर लीग ने करीब 350 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। ऑनलाइन कारोबार पर 28% का GST लगने के बाद गेमिंग कंपनियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है और उसी को देखते हुए ये छटनी की गई है। सॉफ्टबैंक के पोर्टफोलियो में शामिल 4 भारतीय कंपनियों की जल्द ही शेयर बाजार में लिस्टिंग हो सकती है। इनमें स्विगी, लेंसकार्ट भी शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये कंपनियां IPO लाने की तैयारी कर रही हैं। बर्जर पेंट्स के बोर्ड ने निवेशकों को प्रत्येक 5 शेयर के बदले 1 शेयर का बोनस देने का ऐलान किया है। ये शेयर 1 रुपए के फेस वैल्यू पर दिए जाएंगे। कंपनी का जून तिमाही का मुनाफा करीब 40% बढ़कर 354 करोड़ 91 लाख रुपए रहा है। सुजलॉन एनर्जी का शेयर बुधवार को 5% चढ़ गया। कर्ज घटाने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP को शेयर धारकों की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में मजबूती आई है। कारोबार के अंत में इसके शेयर करीब 5% की तेजी के साथ ₹19.56 पर बंद हुए। ड्रीम फोक्स सर्विसेज का शेयर बुधवार को 14% से ज्यादा टूटकर BSE पर ₹665.60 पर बंद हुआ। एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ड्रीम फोक्स के जून तिमाही के रेवेन्यू में 66% की शानदार बढ़त हुई है, लेकिन निवेशकों को कंपनी के नतीजे पसंद नहीं आए। इसी के साथ कंपनी नामा में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9। इस बुलेटिन को तैयार किया था हमारे साथी दिनेश अग्रहरी ने। कल फिर होगी मुलाकात। चलता हूँ, नमस्कार।